नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ राम जन्मभूमि स्थल पर सुबह से ही पहुंचने लगी है। श्रद्धालुओं के अयोध्या और श्रद्धालुओं की अपेक्षा से अधिक तादाद में पहुंचने से मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं श्रद्धालुओं की इस कदर भीड़ हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हवाई निरीक्षण करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि अव्यवस्था की खबरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए, जिसके बाद अधिकारियों को लखनऊ से अयोध्या जाना पड़ा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार उनके साथ मौजूद रहे। लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली स्पेशल बसों पर भी रोक लगा दी गई है, वहीं ट्रेनों पर भी लगातार रोक लगाई गई है, क्योंकि अगर बात की जाए राम भक्तों की तो 5 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंच गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या जानकारी है, क्योंकि अयोध्या में भारी भीड़ के चलते जो अव्यवस्था हुई है, जो चूक हुई है, वो काफी निंदनीय है, क्योंकि धरातल पर जो राम भक्तों की जो तादाद थी वो पहले यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी ये अचूक हुई है, इसके पीछे क्या कुछ जानकारी है? अगर हम बात करें तो जानकारियां जो पहले से मिल चुकी थी, आते ही तो वो लगा दिए गए थे कि इतने श्रद्धालु दर्शन करने आए जी, लेकिन जो व्यवस्था थी वो उस तरीके से नहीं बनाई गई कि अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको कहाँ पे हम रोकेंगे, कहाँ पे जो लगातार दावे कर रही थी यहाँ से जो प्रशासन लगातार दावे कर रही थी इतना ये कर दिया, इतना रुकने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो विफल दिखाई पड़ रही है इनकी, क्योंकि जो तैयारियां ये कर रहे थे सिर्फ रोड को चमकाने में और बिल्डिंग को चमकाने में कर रहे थे कि जो दिखेगा वही बिकेगा, यही काम कर रहे थे। तो अब जब जनसैलाब उमड़ा है प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए तो उसको रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया था यहाँ पे, लेकिन अब टुकड़ियां मंगाई जा रही हैं, बाहर से प्रशासन जो है वो मंगवाए जा रहे हैं, सीआरपीएफ का जो बल है वो भी मंगवाया जा रहा है यहाँ पर। इस तरीके से अब कंट्रोल करने का जो यहाँ पे कार्य है वो कर दिया गया है। अभी हम यहाँ पे चूड़ामणी चौराहे पे स्थित है और यहाँ से जो प्रशासन की टुकड़ियां हैं वो लगातार बसों में भर भर के आ रही हैं और कंट्रोल करने के लिए अयोध्या की जनता को, जो राम भक्त हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगातार अब सब तत्पर हो गए हैं। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो सुनकर बस ये आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर वो खुल गया है भक्तों के लिए, तो जनसैलाब जाहिर सी बात है कि उमड़ना लाजमी है कि इतनी जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ी है अयोध्या में एक साथ। जी शक्ति, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि 500 वर्षों का इंतजार है, इसलिए राम भक्तों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में शक्ति क्या ये तादाद कितनी बढ़ने वाली है और क्या जानकारी है कि कितने भक्त आने वाले दिनों में अयोध्या पहुंचने वाले हैं और रामलला के दर्शन करने वाले हैं? जी, अगर हम तादाद की बात करें तो लगातार जो तादाद है वो बढ़ती जा रहे हैं राम भक्तों की, कहाँ कहाँ से भक्त आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, लोग आंकड़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि कितने भक्त जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, और प्रशासन को ये अनुमान पहले से लगा लेना चाहिए था कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर अब प्रभु श्री राम का हो गया है और अयोध्या धाम का हो गया है जी। और इस मंदिर के एक झलक दर्शन पाने के लिए लोग देश विदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं, फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ पे चालू कर दी जाएगी कुछ दिन में, लेकिन जो भी है वो सब दिल्ली से होके आ रहे हैं, फ्लाइट के जरिए आ रहे हैं यहाँ पे, जो देशों से लोग हैं वो भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगों का जनसैलाब जो है, राम भक्तों का जो जनसैलाब है वो बढ़ना लाजमी है। जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्याम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उनके दर्शन के लिए जो राम भक्त है वो आतुर है, लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती दिखाई पड़ रही है और बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ही आसपास के जितने जिले हैं। जी जी शक्ति, जानना चाहेंगे कि राम मंदिर आने वाले भक्तों के लिए
और राम मंदिर परिसर में और इसके बाहर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या तैयारियां की जा रही हैं आने वाले राम भक्तों के लिए? अभी तो व्यवस्थाएं चरमराती दिखाई पड़ रही हैं। अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार की जा रही हैं। जी, जो जिस तरीके से राम भक्त आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के यहाँ पे हाथ पैर फूल गए हैं कि राम भक्तों का जनसैलाब देखकर। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो धीरे धीरे अब व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं राम भक्तों के लिए। जिस तरीके से बताया गया था, आंकड़ा लगाया गया था, लोगों से अपील की गई थी कि राम मंदिर के जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है उसके बाद में अयोध्या दर्शन के लिए आए, उसके बाद में लोग अपील माने, उसके बाद में ऐसा जन फैलाव उतरा राम भक्तों का उभरा यहाँ पे अयोध्या दर्शन के लिए कि लोगों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के प्रशासन दिनों रात चौकन्नी है और लगातार लगी हुई है कि व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला जाए। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद दौड़ा कर रहे हैं, चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, राम मंदिर में जाके सारे भक्तों से बात कर रहे हैं और वहां पे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और जो कमियां हैं उसके लिए फटकार भी लगा रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि बताया जा रहा है कि आज सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जहां एएसआई ने 18 दिसंबर जिला कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंप दिए थी। वहीं एएसआई ने 4 भागों में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया था और ज्ञानवापी एएसआई की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से कई खुलासे होंगे। आपको बता दें कि वजुखाने को छोड़कर संपूर्ण जानकारी परिसर का एएसआई सर्वे किया गया था और ज्ञानवापी परिसर में करीब 100 दिनों तक एएसआई सर्वे चलाया गया था। साथ ही कोर्ट में आज इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी और ये सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि वाराणसी की ज्ञानवापी केस में आज का दिन जो है वो बेहद खास और अहम होने वाला है। लखनऊ में 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी में लखनऊ की परेड किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राजधानी लखनऊ में परेड का अभ्यास कराया जा रहा है। लगातार राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना का शौर्य स्कूल के बच्चों संग भी परेड किया जा रहा है। 26 जनवरी को देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा जिसको लेकर तैयारियां तेज है। 26 जनवरी को निकलने वाली परेड का आज अभ्यास किया गया है। लखनऊ में 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी लखनऊ में परेड का अभ्यास किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में लगातार गणतंत्र दिवस की तैयारियों तेज हो गई हैं। सेना का शौर्य स्कूल के बच्चों संग परेड निकाली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या जानकारी है कि अब गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे देश में तेज हो गई हैं और कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं पूरे देश में? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए 75वें गणतंत्र दिवस की जो बात की जाए उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। इसके साथ ही जो सुरक्षा की बात की जाए सुरक्षा भी कड़ी की गई है। अगर आज की बात की जाए, जिस तरीके से आज गणतंत्र दिवस जो परेड का रिहर्सल किया गया है, उस रिहर्सल में बात की जाए स्कूल कॉलेज सौर सेना समेत पुलिस बल के जो जवान है वो देखने को मिले हैं। इसके साथ ही जो अयोध्या की झलक है वो भी इस परेड में देखने को मिल रही है। जो झांकियां निकल रही हैं उन झांकियों में अयोध्या की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आज जिस तरीके से जो अभ्यास किया गया था, इस अभ्यास में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद जगह जगह पे तैनात रहे थे। पूरे रिहर्सल के दौरान निगरानी रख रहे थे कि किसी तरह की कोई जो चूक है वो ना हो सके। इसके साथ ही जो चारबाग से होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक ये जो परेड खत्म होगी, जो अभ्यास खत्म होगा, इस दौरान विधानसभा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। अब अगर बात की जाए जिस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर के जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर के गणतंत्र दिवस के मौके पर साफ तौर से यूपी को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। इस दौरान जो जवान लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी जो लगाए गए हैं, उस दौरान जो अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं हाई अलर्ट पर रहने पर, सारी सुरक्षा व्यवस्था को
मजबूत करने के लिए, उसकी भी आज एक झलक देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरीके से परेड के दौरान सौर सेना होती है, उसका जो जज्बा होता है वो देखने के लिए लोग काफी संख्या में उमड़ते हैं, लेकिन इस बार जो एक अहम रोल उसमें रहेगी झांकियों के बीच में, अयोध्या की जो झलक उसको भी देखने के लिए काफी लोग आज सड़कों पर, जिस तरीके से जो 26 जनवरी को लोग उमड़ेंगे, तो उस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था का जो पहरा है वो भी काफी मजबूत किया जाएगा। और उसी पहरे के अभ्यास के लिए आज पूरी तरीके से ड्रेस रिहर्सल पूरा किया गया। उसी के दौरान सभी को निर्देश भी दिए गए, जो रूट डायवर्जन की बात की जाए कि किस तरीके से 26 जनवरी को जो पूरा रूट डायवर्ट रहेगा, किसी तरह की लोगों को, आम जनमानस को किसी तरह की समस्या ना हो, उसका भी खास ख्याल रखा जाए, उसी का आज पूरा रिहर्सल करते हुए आज पूरी परेड जो सुबह 8 बजे से निकाली गई, इसी दौरान इसी तरह से 26 जनवरी को भी ये पूरी परेड निकलेगी। पूरा रिहर्सल उसी का किया गया है और जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसी पर पूरी तरीके से जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर के रिहर्सल आज देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जो अधिकारियों की बात की जाए, जो 26 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है, अधिकारी यूपी में अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ सभी को निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी तरह की सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी है उसमें किसी तरह की ऐसी ना हो जिससे कि माहौल खराब हो सके, उसको लेकर के भी निगरानी की जा रही है। फिलहाल साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या का काम पूरी तरीके से, अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से सकुशल निपटाया गया, उसके बाद जो 26 जनवरी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, उस दिन का दिन भी सकुशल निपटाने के लिए अधिकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। जी, अगर कलीम बात की जाए तो ये 75वां गणतंत्र दिवस है और इससे पहले हमने प्राण प्रतिष्ठा को भी देखा कि प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये दोनों कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो जाए इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन अगर बात की जाए यातायात डायवर्जन की, तो राजधानी यानी कि लखनऊ में यातायात को लेकर गणतंत्र दिवस पर क्या जानकारी सामने आ रही है कलीम? देखिए, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की जो परेड निकलनी है, यानी कि जो चारबाग से होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक जो परेड निकलेगी, उसी का रिहर्सल करते हुए जो रूट डायवर्ट का प्लान जो दिया गया था उसमें सभी को अवगत भी कराया गया है। अधिकारियों ने साफ तौर से रूट डायवर्ट का जो प्लान है वो लोगों से साझा किया है। इस दौरान साफ तौर से कहा गया है कि सुबह से लेकर के लगभग 12 बजे तक उस रूट पर किसी तरह के वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद रहेगा। जो आवागमन है वो दूसरे रास्ते से होता हुआ निकलेगा, यानी कि अगर गोमती नगर किसी को जाना है तो वो दूसरे रूट से होते हुए जाएगा। जो परिवर्तन से होते हुए चारबाग का जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा, क्योंकि उस दौरान वहां से परेड निकल रही होगी गणतंत्र दिवस की, झांकियां निकल रही होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा पर मौजूद होंगे। उस दौरान जो लोगों की भीड़ भी है, उस भीड़ को काबू करने के लिए जो पुलिसकर्मी लगाए गए वो सभी वाहनों को अलग रास्ते पर भेजते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो रूट प्लान जो तैयार किया गया पूरी तरीके से डाइवर्ट करते हुए सभी को दूसरे रास्ते पर भेजे जाने का काम किया जा रहा है। जी करीम, अगर बात की जाए कि परेड की और गणतंत्र दिवस पर खास कार्यक्रम की, तो इन कार्यक्रमों का समय क्या रखा गया है और ये कार्यक्रम कब कैसे संचालित किए जाएंगे? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, जिस जो परेड पूरी निकलनी है वो सुबह से ही पूरा, जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें, जो आज की टाइमिंग रही है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की, यानी कि जो रिहर्सल की पूरी टाइमिंग रही है, वहां से जो पूरी परेड निकलेगी, लेकिन आज रिहर्सल पूरा किया गया। लेकिन 26 जनवरी की बात की जाए तो विधानसभा पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल रहेंगे, तो उस दौरान जो परेड की टाइमिंग होगी वो पूरी तरीके से उसी रूट पर होते हुए निकलेगी, यानी कि सुबह 8 बजे से जो पूरी परेड है वो निकलने लगेगी, झांकियां निकलने लगेंगी, जो सौर सेना का जज्बा देखने को मिलेगा वो भी वहां से पूरा रिहर्सल करते हुए वहां से दिखेगी। और बात की जाए जो अयोध्या की झलक के साथ साथ जो कमांडो वहां पे जो परेड में शामिल होते हैं उनका सौर भी देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो 8 बजे से जो इसकी शुरुआत की जाती है, तो 8 बजे से जो एरिया है आजमगढ़ विधानसभा के पास का, वहां पर लोगों की भीड़ भी उमड़ना शुरू हो जाती है। तो 8 बजे से 12 बजे तक का जो पूरा कार्यक्रम रखा जाता है, उस दौरान सभी लोग, क्योंकि अगर मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय में भी जो डीजीपी है वो सलामी देते हैं, और सलामी देने के बाद पूरी तरीके से जो वहां का कार्यक्रम होता है वो भी लगभग 8 से 9 बजे के बीच शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद विधानसभा पर भी पूरी तरीके से परेड देखने को मिलती है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सेना की जो परेड है गणतंत्र दिवस, अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और लगातार गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजधानी लखनऊ में भी तैयारियां देखने को मिली, सेना के
स्कूल के बच्चों के संग भी परेड निकाली गई। वहीं 26 जनवरी को देश में लगातार ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए परेड का जो अभ्यास था वो भी किया गया। वहीं रूट डायवर्जन को लेकर, यातायात परिवर्तन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। भारतीय सेना के जवानों के साथ देशभक्ति के रंग में रंगे स्कूल बच्चों में कदम ताल किया गया है। वहीं टैंक की 90 भीष्मा भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर निकलने वाली झांकी का आज फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 9 बजे से किया गया। इसके चलते यातायात में परिवर्तन किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में राम मंदिर पर बनी झांकी आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के चलते बुधवार को विधानसभा के बाहर फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे वहां जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्रीमती जय देवी जी,